00001। अबे तू भी लगा ले। अब देख तू। बात सुन, अरसलान के बड़े मजे आ रहे हैं यार। वो अभी तक घर नहीं गई, रात को भी उसी के कमरे में थी। भाई हमें कहता है लड़कियां मत लाओ, और खुद देखो पूरी रात अंदर, पूरा दिन अंदर, पानी पीने के लिए भी बाहर नहीं आया। देखना एक दिन मैं भी ऐसा कर लूंगा अपना जाती। जबरदस्त, फिर तू देख इतनी लड़कियां मंगवाऊंगा ना उसको जलाने के लिए, वो गिन गिन के थक जाएगा। लड़कियां मंगवाएगा? अरे तू क्या बिजनेस सोच रहा है? लोग इस बिजनेस को अच्छी नजर से नहीं देखते। अबे वो ब्रोकर होगा तू, मैं तो ऑनर होगा। ऑनर ब्रोकर्स का? तेरे साथ ना मैं एक्सरसाइज करूंगा नहीं। क्या वादा किया था तूने, सिक्स पैक बनाएगा, ये देख हालत क्या कर दी मेरी। अबे अरे बात अबे बात सुन, बात सुन यार, सही बोल रहा हूं यार इतनी लड़कियां खरीद कर करेगा क्या? एक तेरी गर्लफ्रेंड तो उसे सेटिस्फाई होती नहीं है। ओए तुझे किसने कह दिया कि वो मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है? अरे वो गंदी नजर से देखती है मुझे। वो तो तू गंदा है इस वजह से तुझे गंदी नजर से देखती है। ओ ज्यादा मर्द मत बन, मुझे पता है तुम्हारा। वो बोल रही थी कि बस फैट ही बढ़ रहा है तुम्हारा। हाँ यार ये बात तो है, उसी के लिए तो ये सारी एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, सारा फैट बर्न कर रहा हूँ यार। ये साला ये फैट जो है ना हमारे प्यार के बीच में बढ़ा रहा है यार। मैं क्या करूँ यार, मैं क्या। अरे कर ले वरना वो किसी और के साथ कुछ कर लेगी। यही तो मैं सोच रहा हूँ यार, लेकिन मैं क्या करूँ, उसकी मशीन बहुत हाई वोल्टेज की है, मैं पावर सप्लाई नहीं दे सकता यार उसको। हाँ भाई किस पावर सप्लाई का मसला हो गया? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो पावर और इसकी सप्लाई की बात कर रहे थे। खैर एनीवे तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। साले तू बाप बनने वाला है? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, अभी तो हम लोगों की शादी भी नहीं हुई। अरे हमें अपने भाई पे पूरा यकीन है, क्यों भाई? हाँ हाँ भाई वो याद है, वो फिजा अंडे वाली। हाँ भाई बात ये है कि एनी हम सबको ट्रीट दे रही है। किस खुशी में? भूल गए तुम लोग जो मैंने रेजर बेचा था 1500? पता है 1500 रेजर वाली शर्ट। तो भाई फिर ठीक है, आज का खाना हमारी तरफ से। हमारी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से। यू लूजर। ओके बेबी, जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। और वैसे तुम दोनों के लिए ना एक गुड न्यूज और है। देख सोना लड़की क्या आगे फिकल रहा है। ये बात तो है, लड़की है ही फिसलने वाली। बताना भाई, भाई बताना क्या गुड न्यूज है भाई। अरे बता दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है। चलो एक काम करो, तुम दोनों अंदर आओ और अंदर आकर देखो कि बेबी ने कैसा इंतजाम किया। जल्दी से। देख रहा है साले को कितने मगन है एक दूसरे में। अरे तू उसको छोड़ना, हम मगन होते हैं ना, मेरे साथ एंजॉय कर। तेरे साथ एंजॉय क्यों करूं, इससे बेहतर मैं साबुन से हाथ ना धोलूं अपने। वैसे मुझे ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लगती। लेकिन मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, देख कितनी खूबसूरत है। अरे पागल हो गया क्या, ये उसकी बच्ची है। बच्चों की माँ तो मेरी बनेगी ना। पागल तो नहीं हो गया, तो तेरे वाली खा लेगी। मुझे वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फ्लैश नहीं करती यार, वो तू रख ले। एक बात तो बता। पूछ। ये बच्ची मिली तुम्हें कहाँ से? मार्केट से। अरे सही बताना। टेंडर। कब बिजनेस शुरू कर रही हैं? बहुत जल्द। तो बिजनेस जो है वो रेजर का ही होगा? नहीं नहीं, वो तो मैं अरसलान को प्रूव करना चाहती थी, इसलिए मैंने। अरे हमें तो लड़कियां टेंडर पे देखती ही लैपटॉप मार देती हैं। मान गया हूँ मैं तुम्हें, बड़ी जल्दी सेटिंग कर लेता है। तो मुझे तो बताया नहीं तुमने इसके बारे में। तुझे कैसे बताता, तू तो वो बंदा है जो लोगों के मोबाइल से नंबर निकाल लेता है। तूने मास्टर्स किया हुआ इस काम में। तभी मैं कहूँ शफीक नंबर से इतनी लंबी बातें क्यों करता है हरामी। देखा तुझे नाम भी पता है, यानी कि तू मेरे मोबाइल में घुसा था। अब बता कौन हुआ, तू या मैं? अरे अब तू भाई को ऐसा समझेगा? हाँ ऐसे ही समझता, जाहिद की पप्पी की बेटी को नहीं बख्शा तूने। तो फिर तो ये मेरी बच्ची है।
मैं तुझ पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ? और दूसरी बात, वो वाली बच्ची जिससे मैं नेक्स्ट मंथ शादी करने वाला हूँ। इधर। बात हो गई है मेरी, एक दो दिन में सेट हो जाएगी, तो टेंशन मत ले। पागल हो गया क्या? वो नेक्स्ट मंथ में उससे शादी कर रहा है। अभी पूरा महीना है उसकी शादी। अरे तो बात समझने की कोशिश कर, उसकी अगले महीने शादी होने वाली है। इस नजरिए से वो हमारी भाभी होगी। मैंने भी बड़ी गूगल पे भाभी देवर की कहानियां पढ़ी है, स्पेशल वाली। बहुत फेमस, बहुत हिट होती है। मैं तो कहता हूँ मियां बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो तो होता ही देवरों के लिए है। ओके गाइस, देखो भाई, आज मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, और आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे हसीन और सबसे प्यारी रात है। मैं और एनी, जैसा कि आप दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और हम दोनों नेक्स्ट मंथ शादी करने वाले हैं। वाओ 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 वाओ, थैंक यू। और एक और बात, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तो इस पूरा एक महीने एनी हमारे साथ हमारे घर में रहेगी, और इस घर में रहते हुए वो कुछ रूल्स बनाएगी, और हम सबको उन रूल्स को फॉलो करना होगा, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। एक सवाल, एनी सोएगी किसके साथ? मींस कहां सोएगी? क्या बोल रहा हूं मैं, कमरा नहीं है हमारे पास, किसके कमरे में सोएगी? तुम्हारे रूम में। और ये तुम्हारे रूम में? नहीं, इसको नींद में ऊपर चढ़ने की आदत है। प्लीज गाइस, एडजस्ट कर लो, एक महीने की तो बात है। हाँ। और वैसे भी मेरी दादी आ रही है। दादी? हाँ दादी। हाँ लेकिन दादी से तो मैं मिल चुका हूँ ना, तो उनके आने की क्या जरूरत है? हाँ तो वो अपनी पोती के होने वाले शोहर के साथ दोबारा मिलना चाहती है, तो इसमें क्या हो गया? याद करवा दिया। दादी? हे गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।